वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 18.3 मेंसुरेशन क्लास 10th आईसीएसई और ये हमारी एवरग्रीन बुक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 18.3 में। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है और किस टाइप से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10th हमारा ये बोलता है कि द सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सर्फेस ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्फेस एरिया गिवन क्या है, एक स्पेयर का जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ ए कोन। ये जो सर्फेस एरिया ऑफ स्पेयर है ये 5 टाइम्स है इसके कर्व सर्फेस एरिया सी एस ऑफ कोन के, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो आपको हाइट फाइंड करनी है तो कोन की, एंड आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो सिंपली अगर हम रिलेशन यहाँ पर ड्राइव करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या होगा। देखो जैसे ही क्वेश्चन में बोलता है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको यहाँ पर करना होता है। अगर ये बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर इज 5 टाइम्स द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द कोन। एक सर्फेस, एक है हमारे पास स्पेयर और एक है हमारे पास कोन। ये सरफेस, ये जो हमारे पास स्पेयर है इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये जो हमारे पास कोन है इसका रेडियस कितना गिवन किया 4 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, एंड इसकी हाइट हम लेट कर लेते हैं h। और यहाँ पर बोला है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है 4πr² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सी एस ऑफ कोन। सी एस ऑफ कोन होता क्या है, सी एस ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब देखो इसका रेडियस आर बने तो हम आर टू लेंगे, इसका रेडियस आर टू तो आर टू ले लेंगे। एल अगर इस सरफेस एरिया कोन के इक्वल हो रहा है तो एल क्या होता है यहाँ पर, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ पर 4 रेडियस आर वन है 5 और इसका स्क्वायर करेंगे, रेडियस आर टू है 4 और यहाँ पर ये एल, ये हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पर 4 से आप इसको 4 को डिवाइड कर लो, पाई आर एल होता है यहाँ पर, यहाँ पर हो गया 25, एल की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। देन आपको क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लेंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल की वैल्यू क्या है 25, तो 25 सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर 25, एल की वैल्यू 25 आ रही है यहाँ पर, एल की वैल्यू 25 होगी, एल की वैल्यू ही 25 होगी। आर 4πr² होता है ना, 4πr² आर स्क्वायर क्या 25। रेडियस यहाँ पर कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही है, तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है अगर, तो आर यहाँ पर कितना है, ये वाला आर 2, ये हमारे पास 4 हुई, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये मिलेगा आपको 25 का स्क्वायर करना है आपको, 25 का स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर ये देखो ये होता 5, तो 5 का स्क्वायर 25 करते ये 3 हो जाता है हमारा, हाइट हमारी 3 आती, और 3 हाइट आती इसकी अगर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे वॉल्यूम भी फाइंड हो जाती। कितना आ रहा है वैसे इसमें हाइट, अगर हम देखें हाइट फिर 3 होगी, अगर स्लेंट हाइट अगर 25 है फिर तो हाइट 3 नहीं होगी इसकी। चेक करो इसका आंसर, देखो कहीं कहीं पर मिस्टेक भी दे देता है, तो इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्योंकि 5 4 3 ट्रिपलेट होता है हमारा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हाइट 3 आ रही है, और हाइट 3 कब आएगी, तो जैसे इसमें हाइट बोल रहा है कि हाइट 3 मिलेगी आपको, तो हाइट 3 कब पॉसिबल है, अगर ये लेंथ जो स्लेंट हाइट है ना, ये स्लेंट हाइट हमारी क्या आ रही हो, ये स्लेंट हाइट आ रही हो हमारी 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तब 25 मिलेगा, और 16 माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर रूट तब में 3 मिलेगा। लेकिन स्लेंट हाइट तो हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर, ये स्लेंट हाइट आ रही है 25। अगेन चेक कर लेते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर इज 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स। अच्छा यहाँ पर इसने बोला कि इसके किसके इक्वल है, इसके 5 टाइम्स के इक्वल है। ओके तो इसके 5 टाइम्स के इक्वल है, तो यहाँ पर एक 5 भी आ रहा है, यहाँ पर एक 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब करेक्ट है स्लेंट हाइट, अब अगर हम 5 लेंगे तो इसका स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 25, और 25 से अब आपका 16 माइनस करोगे आप 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो इसलिए इसकी हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई हाइट। ओके हाइट हो गई इसकी 3 सेंटीमीटर, सिंपली हाइट 3 सेंटीमीटर हो गई। स्लेंट हाइट कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है,
वॉल्यूम फाइंड करना है ना। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन सिंपली आपको फॉर्मूला मालूम है क्या? वर अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम। करोगे इसको सोल्व कितना मिलेगा? वन अपॉन थ्री पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे अगर हम, क्योंकि इसमें नहीं बोला कि आपको 3.14 यूज़ करनी है 22/7। अगर वो नहीं बोलता कि 3.14 यूज़ करनी है 24/7, तो आप 22/7 ही यूज़ करना है। यहाँ पर इसकी रेडियस अगर हम आर टू ले रहे हैं तो रेडियस आर टू हमारी कितनी है? 4। यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेंगे। और हाइट, इसकी हाइट आपको गिवन की है 3, हाइट गिवन की है 3, ये कर लेंगे सिंपली। कर लो सोल्व 3 से 3, यहाँ पर कर लो ये 22, 4 4 16 अपॉन में 7। सोल्व कर लो इसको, अब कितना मिलेगा? अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा मिल रहा है टोटल कितना है 22 और 16 को मल्टीप्लाई करते हो कितना मिलेगा आपको? कर लो मल्टीप्लाई 22 एंड 26, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है हमें 352 अपॉन में 7। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 7 5 जो 35, ये 0 और ये 2 अपॉन में 7, ये जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। तो सिंपली हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है कि यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr², ये किसके इक्वल है? 5 times दी CSA ऑफ कौन? CSA ऑफ कौन पाई आर एल होता है, लेकिन ये इसका 5 times है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। इसमें बोल रहा है ए हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल है जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका इनर डायमीटर गिवन किया है और इनर साइड में ही आपको टिन प्लेटिंग करनी है, मीन्स इसके CSA पर टिन प्लेटिंग करनी है, और किस रेट से है वो 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो उस पर 16 रुपीज लगेंगे। तुम कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखो सिंपल है, पहले आप CSA ऑफ क्या करो, हेमिस्फीयर फाइंड करो, एंड देन इसको आप सोल्व कर लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। अगर हम इसको सोल्व करें सिंपली क्या होगा, तो यहाँ पर इसका डायमीटर गिवन क्या है, तो इसका CSA अगर हम निकालें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², 2πr² करेंगे तो 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस देखो, डायमीटर अगर हमारा 10.5 है तो रेडियस कितनी होगी? 10.5 का हाफ लेंगे, यहाँ पर 10.5/2, या फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं। और देखो हमें कैलकुलेशन कहाँ पर करनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे जहाँ हमें फाइनल आंसर चाहिए। हमें फाइनल आंसर में कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम पहले इसकी कॉस्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर कितने रुपये लगेगा? 16 रुपीज़। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपीज़? 16 रुपीज़। ओके, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे हमारे? ये 100 डिवाइड में लेके आ जाएंगे, 16/100 रुपीज़। तो 16/100 रुपीज़ हमारे 1 सेंटीमीटर के लग रहे हैं, और टोटल एरिया हमारा ये आ रहा है। तो टोटल जो कॉस्ट होगी हमारी टिन प्लेटिंग की क्या होगी? टोटल कॉस्ट ये होगी हमारे पास क्या, कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर लो पर सेंटीमीटर कॉस्ट की, यहाँ हो जाएगा ये 10.5/2, 10.5/2। सिंपली अब इसे सोल्व कर लो, आप 2 से 2 कैंसिल कर लो, एंड 2 से ये कैंसिल कर लो 11, 7 से कैंसिल भी हो रहा है, जैसे 7 से पहले नीचे 10 कर लो, यहाँ पर पॉइंट हटाओ नीचे 10 कर लो, 7 से इसको कैंसिल कर लो, 7 1 7, 7 5 35, अगेन 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 5 2, 2 से कर लो 2 8, देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 8 बच रहा है, 11 3, और ये 10 05 105 ये मिल रहा है हमें, नीचे मिल रहा है 100, और 1 10 और मिल रहा है। कर लो इसे सिंप्लीफाई, और जैसे हम 5 से अगेन कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 5 1 5 2 2 से अगेन कैंसिल कर लो 4। अब देखो आप 4 से इसको 25 times में कर सकते हो, लेकिन नहीं करना आपको, क्योंकि 100 से डिवाइड करना इजी है। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको हमने कट किया फिर डिवाइड किया, तब टफ हो जाएगा। तो अब आप सिंपली क्या कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 4 7 जा कितने होते हैं
फोर थ्री 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 11 की इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 12 की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24 एंड 12 वन 12, ये आ जाएगा हमारा 252। ये 252 मिलेगा डिवाइड बाय 100, 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 एंड 252, ये कितना हो जाएगा 2772। तो मिलेगा आपको 2772, और 100 से डिवाइड करोगे 27.72। ये नाइन्थ में एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन है ये वाला, सेम एज इट इज़। तो एनसीईआरटी में जो हमारा क्लास नाइन्थ में है क्वेश्चन है, ये हमारा सेम है बिल्कुल, आप उसे देख सकते हैं। 13.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, आप वहाँ पर आपके क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ अ स्फीयर इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, अगर एक स्फीयर है जो इनस्क्राइब्ड है एक क्यूब के अंदर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करना है। तो सिंपल, एक स्फीयर को इनस्क्राइब कर लो क्यूब के अंदर, तो कुछ इस टाइप से। देखो ये हमारे पास क्यूब है, देखो लेकिन ये 2D में हमने किया है तो स्क्वायर लग रहा होगा आपको, तो ये कुछ इस टाइप से क्यूब है और इसके अंदर एक रखा है स्फीयर, ओके। इस स्फीयर और इस क्यूब की वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड करना है। इफ द स्फीयर इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेट कर लेते हैं, अगर हम इसके रेडियस, इसका साइड, क्यूब की साइड अगर हम लेट कर लेते हैं ए, देन इसका जो डायमीटर है ये भी ए होगा हमारे पास, जो स्फीयर होगा। सिंपली आप इसी के हेल्प से क्या कर सकते हो, लेट साइड ऑफ क्यूब, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब कितना, लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर, या फिर सिंपल ए यूनिट लेट किया हमने, देन डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर भी ए यूनिट होगा, रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा ए बाय टू, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा ए बाय टू। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या करना है आपको, किस चीज़ का रेशो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4πr² गलत नहीं, 4/3πr³ होता है। कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कुछ और फिर जल्दी से बाग में आती नहीं है बात। तो अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब करें तो ए क्यूब होता है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। लेकिन देखो या तो आप इसको ए के टर्म में ही कन्वर्ट कर लो या फिर ए को आर के टर्म में कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कैसे, आर को आप पुट कर लो ए के टर्म में, आर को ए के टर्म में पुट करोगे ए बाय क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर ए क्यूब रहने दो, यहाँ पर 4/3π, आर के प्लेस पर अगर हम ए बाय 2 पुट करते हैं और इसका क्यूब कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लो, ए क्यूब डिवाइड में यहाँ पर 4/3π, और यहाँ पर ये ए क्यूब अपॉन में 2 2 4 2 8, 4 2 अभी जाएंगे हमारे पास ऊपर, 2 भी ऊपर, ये 3 भी ऊपर, तो 2 3 6 ऊपर जाएगा, और ए क्यूब अपॉन में पाई, और ये ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल कर लो, अगर पाई की वैल्यू रखते हो 22/7, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 42/22, या फिर सिंप्लीफाई कर लो, या फिर अगर आपको ऐसे गिवन किया है 6/11 6/5, तो आप ऐसे रहने दो, तो हमें ऐसे गिवन किया तो आपका ये हो गया आंसर सिंपली, ओके। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 12th, सिंपल क्वेश्चन नंबर 12th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि टू सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मेटल हैव वेट 5920 ग्राम एंड 740 ग्राम रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, लार्जर स्फीयर की आपको रेडियस बताना है, इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर स्मॉलर 1:5, अगर हमारे स्मॉलर वाला जो स्फीयर है उसकी अगर हमारे पास डायमीटर गिवन किया 5 सेंटीमीटर, देन द डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर।
लार्जेस्ट स्फीयर की आपको क्या करना है, रेडियस बतानी है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। देखो सिंपल, इसने हिंट भी बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बिगर स्फीयर अपॉन में वेट ऑफ द स्मॉलर स्फीयर होगा। ऐसा कहाँ से आया है रिलेशन? ये आता है हमारा डेंसिटी वाले रिलेशन से। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। अगर ये सेम ही मटेरियल से बने, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, तो यहाँ पर रिलेशन वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसके वेट के रेशियो के इक्वल होगा। इसी से ये रिलेशन इसने ड्राइव किया है। कैसे? देखो आपको पता है डेंसिटी रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये कह सकते हो आप। अगर ये वॉल्यूम वी वन लेते हैं हम, वॉल्यूम वी टू भी ले लें हम, जिसका मास एम वन है और इसका मास यहाँ पर एम टू है, लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम है रो, और अगर इनको डिवाइड करें वी वन अपॉन में वी टू, तो इधर भी ये डिवाइड होगी वैल्यू, एम वन अपॉन रो और एम टू अपॉन में रो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम वन अपॉन में क्या होगा, एम टू, ये होगा सिंपल। वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एम वन और एम टू मास के रेशियो के, वॉल्यूम का रेशियो मास के रेशियो के इक्वल होगा। इसी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, टू स्पेयर्स हैं, एक लार्जर स्पेयर है एक स्मॉलर, टू सॉलिड स्पेयर मेड अप ऑफ द सेम मैटर। एक लार्जर स्पेयर इसकी रेडियस हम क्या लेट कर लेते हैं, इसकी रेडियस हम आर वन लेट कर लेते हैं, और एक स्मॉलर स्पेयर इसकी रेडियस हम आर टू लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर, तो आर वन स्क्वायर, यहाँ पर फोर पाई आर टू स्क्वायर, मास एम वन, मास एम वन अपॉन एम टू। तो ये जो मास एम वन अपॉन एम टू है, कैसे करेंगे इसको सोल्व, मास हम पहले से ऑलरेडी गिवन किया है 592074 0, यहाँ पर ये 592 0, 592 0 एंड 740, यानी यहाँ पर 740 00 कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एंड यहाँ पर रेडियस गिवन किया हमें स्मॉलर की। देखो इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हाफ कर लेंगे, तो स्मॉलर वन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 5/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस वन हमें फाइंड करनी है, और ये रेडियस टू हमें गिवन किया 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में, इसको सिंप्लीफाई कर लो कितने टाइम्स में, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कर लो इसको सोल्व। अगेन क्या है, कैंसिल हो रहा है 37 से, तो 37 से ये अगर हम देखें 9 टाइम्स में तो होगा नहीं, 9 3 ज़ा 27 हो सकता है वैसे, 9 7 ज़ा कितने होते हैं 63, 8 7 ज़ा कितने होते हैं, 8 7 ज़ा 56, तो 8 से हो रहा है मे बी। देखो आप 8 से 8 7 ज़ा 56, 5, 8 3 ज़ा 24 और 5 9, यस 8 टाइम्स में हो रहा थी। आर वन का स्क्वायर ये 5/2, इसको डायरेक्ट इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा किसके साथ, 8 के साथ, क्योंकि इसको डिवाइड करके 8 आ रहा है। इसको सोल्व कर लो, आर वन स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 इंटू में 8 4 2 ज़ा, ये रेडियस आर वन क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 2 ज़ा 50, और 50 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर हटाओ स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट में क्या होगी वैल्यू, स्क्वायर रूट में हो जाएगी 5√2। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है क्या, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो लार्जर स्फीयर की अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो यही लार्जर स्फीयर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, सिंपल। देखो इसके इसका आंसर आ रहा है 5। 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वॉल्यूम में क्या रख लिया, यहाँ पर सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला रखा है हमने, यहाँ पर 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ पर देखो ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहाँ r³ r1³ और यहाँ पर भी क्यूब होता, क्यूब होता तो देन आप इसका क्यूब करते, यहाँ भी क्यूब होता, इसका क्यूब करते तो 1 5 और 1 2 और मल्टीप्लाई हो जाता, समझ गए आप भैया। तो आप इसे 3 टाइम लिखो, या फिर 5 का क्यूब 125 लिखो, और 2 का क्यूब 8, अभी तो वही है, अगर हमने 5 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 4 ज़ा 8, पूरा कैंसिल हो जाता, ऊपर आता हमारे पास 5 का क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स आ रहा है, 5 × 25, ये कितना होता है 5 × 25 125, और 125 किसका क्यूब रूट है, क्योंकि क्यूब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यूब रूट लगाते हैं, और क्यूब रूट है किसका 5, इसलिए आर वन की वैल्यू क्या है 5। ऐसी मिस्टेक्स से आपको बचना है, माइंड को फोकस रखना है, और अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको करते हो तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए माइंड को एक ही जगह पर रखना है आपको अपने क्वेश्चन पर। ओके, तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें बोल रहे थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया इज 0.40। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द सिल्वर प्लेटिंग द वेसल ऑल ओवर। पूरे वेसल पर अगर आपको क्या करनी है, सिल्वर प्लेटिंग करनी है, तब बताना है आपको कितना उसका टोटल कॉस्ट बनेगा। तो सिंपल देखो, टोटल जो इसका सरफेस एरिया होगा, लेकिन ये हेमिस्फेयर हमारे पास क्या है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, इसका मीन इसमें कुछ थिकनेस भी है इसकी। इस केस में हम क्या करते हैं, इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो कैसे फाइंड करते हैं, इसका इंटरनल एक्सटर्नल सी एस से और इसका रिंग का एरिया फाइंड करते हैं। समझ रहे हो आप, ये बताया था आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस अगर हम आर लेट कर लेते हैं तो देन इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है हमारे पास कितना, एक तो इसका एक्सटर्नल इंटरनल और इसमें ऐड करते हैं इसमें जो रिंग का एरिया है, क्योंकि सरफेस एरिया इसमें कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि होलो हेमिस्फेयर है। क्या हो जाता है इसका सरफेस एरिया, एक तो सी एस से इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आउटर सी एस से, इनर सी एस से, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि ये यहाँ से अंदर से खाली है और ये इसका सरफेस एरिया है, बाहर सरफेस एरिया इसका रिंग और ये इसका अंदर का सरफेस एरिया, ये सभी टोटल सरफेस एरिया ऐड होंगे। तो अगर इसका आउटर सरफेस एरिया एक्सटर्नल सरफेस एरिया देखें, मतलब मीन्स सी एस से देखें, तो वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्सटर्नल सी एस से, इंटरनल सी एस से, क्योंकि हम इसमें भी इसको देख सकते हैं, इस ये सरफेस भी इसमें आ रहा है, ये होता है 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला रेडियस स्मॉल आ रहा है। प्लस रिंग के एरिया के लिए आप करोगे, बड़े सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस करते हैं, स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ये करते हैं सिंपली। इसी से बन रहा है हमारा फॉर्मूला, कैसे देखो, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल R स्क्वायर, यहाँ से इस पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, अगर इन सभी में से कॉमन ले रहे हैं हम पाई, पाई आ जाएगा कॉमन, और 2 भी आ रहा है क्या कॉमन, नहीं आ रहा, तो अगर हम पाई ले लेते हैं, या फिर देखो सिंपली कॉमन भी मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, और ये स्मॉल में मतलब माइनस में पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं क्या, पाई, ये फॉर्मूला आता है हमारा 3 आर स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो उसने हिंट में गिवन किया है, और ये हमने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि भाई ये फॉर्मूला होता है पाई 3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपली। तो बस आप इसको क्या कर लो, इसकी कॉस्ट फाइंड कर लो, क्योंकि तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर गिवन किया है, कैपिटल आर द इनर एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स गिवन किए हैं, तो इंटरनल डायमीटर 14 है, इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 का हाफ मीन्स 7 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल 21 है तो 21 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर सिंपल। ओके सोल्व कर लो आप इसको, कैसे, पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज़ कर सकते हो, तो 22/7 यूज़ करो, या फिर जो भी ये बोलता वो कर लो, यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 3 टाइम्स स्मॉल कैपिटल आर 21/2 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर 7 स्क्वायर, ये कर देंगे हम सिंपली, कर लो आप इसको सोल्व, 22/7 यहाँ पर 3 टाइम्स 4/4 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का 49, ये हो जाएगा सिंपली। देखो हम सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा नहीं आप इसको नॉर्मली कैलकुलेशन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो, इस 22 को अंदर लेके आ सकते हो, या फिर इसमें से कॉमन आ रहा है, जैसे 7 7 से 49, इसमें से 7 7 49 कॉमन आ जाएगा इससे भी और इससे भी, कैसे, क्योंकि 21 इंटू 12 में ये जो 49 है इसको कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसको, 9 टाइम्स में, आप इसमें से क्या कर सकते हो, 49 कॉमन ले सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या करो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो भी कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप इसे, लेकिन 49 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ 3 49 इसे 9 टाइम्स में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर 9 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 7 जो 49, यहाँ पर 22 इंटू 7, सिंप्लीफाई करो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 9 3 जो 27, यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 4, 22 इंटू 7, 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 31/4 डिवाइड कर लो 2 से, 2 2 जो 4 2 से 11, अब कर लो इसको सोल्व कितना होगा, सोल्व करेंगे तो कितना होगा, इन सभी को सोल्व कर लो, 77 इंटू में 31/2, ये यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी, लेकिन हमें कॉस्ट चाहिए तो उसकी कॉस्ट फाइंड करने, अगर हम फाइनल, और कॉस्ट कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसने 0.40 के अकॉर्डिंग कॉस्ट है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर आप इसको बता दो, पॉइंट हटाओ नीचे, 100 करोगे आप, 0 0 कैंसिल,
टू ज़ा फोर एंड टू से इसको कैंसिल कर लो, फाइव मल्टीप्लाई कर लो, फाइव से डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई करके फाइव से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो मल्टीप्लाई करके फाइव से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 77 मल्टीप्लाइड बाय 31। देखो आपको इसको विदाउट कैलकुलेटर ही करना है, समझ गए, 4477.4। इतना टफ भी नहीं है, पढ़ सकते हो सिंपली। ओके, इतने रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये करना था हमें इसके लास्ट क्वेश्चन में। तो सिंपली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो सिंपली आप करिए इसको, अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। पता नहीं बच्चे क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मोस्टली बच्चे देखते हैं लेकिन 100% में से सिर्फ 33-34% बच्चे ही सब्सक्राइब करते हैं, और बच्चे नहीं करते हैं। शायद उनको अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब करना, क्यों हम सब्सक्राइब करें। लेकिन आपको लगता है कि अगर हमने आपकी हेल्प की है, हमने आपको दिल से सपोर्ट किया है, अगर आप यही चीज़ें कहीं और जाकर देखोगे आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप छोटा सा हमारे लिए वर्क कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपनी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं यार, छोटा चैनल है, क्यों हम सब्सक्राइब करें, क्यों इसे आगे बढ़ाएं, तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके साथ हम हैं। आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे स्कोर करिए, आगे बढ़िए, लाइफ में सक्सेस पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।